मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बाबाकार मुअज्जम मुकर्रम मुतशम उलमा अहले सुन्नत बिलखुसूस नकीब अहले सुन्नत नाशरे मसलक आला हज़रत हज़रत हाफिज़ क़ारी यूसुफ रज़ा साहिब क़िबला अंदलीब गुलशन रिसालत भाई आज़म इकबाल साहिब क़िबला जुमला अरबाब मेंबर और महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुलरुख़ा शहजादे गुलगों कबा इमदाद कुन गौसे आज़म बने बेसर उसामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बकरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमना रहे या गौसे आज़म भी जनम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी जनम बलगल उला भी कमाली ही कशफत दुजा भी जमाली ही हसुनत जमी और खिसकाली ही सल्लू अलैहि व आलिही करूँ तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ो जहाँ नहीं जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीईना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व सहाबीही व बारिक व सल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी बानिया ने जलसा और उन तमाम अफराद को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें की हैं मेहनतें की हैं। अल्लाह करीम उन सब की उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए आमीन और सबके जायज़ कारोबार में खेती और खलियान में अल्लाह बरकतें अता करे और जितने लोग भी इस महफिल में आके बैठे हैं सबको ताजदारे बगदाद की खास इनायतों से मालामाल फरमाए आमीन। अब तक आपने मुसलसल नातों मनकबत यके बाद दीगरे समाप्त की और मुझे ये महसूस हो रहा है कि जितनी अब तक नाते और तकरीर हुई हैं तकरीबन उस हिसाब से मिंबर पे लोग नहीं हैं क्योंकि जब से जलसा शुरू हुआ है अब तक आपने हर पढ़े लिखे से कुछ ना कुछ हुजूर की शान में ज़रूर सुना। अल्लाह सभी को ज़ोर बयान अता करे सबके लहजों में बरकतें करे आमीन और हर पढ़ने वाले बोलने वाले सुनने वाले की हाजिरी कबूल फरमाए आमीन। सबसे पहले तो ये बात सुन लें कि ये जो महफिल सजी है ना ये किसी के अपने जोरे बाजू का कमाल नहीं ये सारा कमाल बगदाद वाले आका का है। जब चाहते हैं जिससे चाहते हैं अपनी बातें करा लेते हैं
जहाँ चाहते हैं अपनी महफिलें सजवा लेते हैं। यकीन ना हो तो अपने ही करवट में झांक के देखो, कितने छोटे छोटे बच्चे भी मैं देख रहा हूँ, जबकि सर्दी की बड़ी रातों में 12 बज गए हैं। जिन बच्चों को बिस्तर पे होना चाहिए था वो अभी तक सड़क पे बैठे हुए हैं। यकीनन ये बिरयानी का लालच नहीं, ये लड्डुओं का लालच नहीं, ये किसी का प्यार है जो सड़कों से उठने नहीं दे रहा है। ये किसी की मोहब्बतें हैं जो बिस्तर तक जाने नहीं दे रही हैं। मैं गौर करूं तो आवाज आती है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। कारी यूसुफ साहब क़िबला, जहां तक मैं जानता हूँ गुरेर मेरी करीब का गांव है और इसकी आबादी भी अच्छी खासी आबादी है। इसको देखते हुए ये नहीं लगता कि ये गुरेर के सारे लोग आके बैठ गए हो। सारे लोग तो नहीं बैठे हैं और बैठ भी नहीं सकते। जो नहीं आए हैं वो अक्लमंद नहीं है, जो आके बैठे हैं वो बेवकूफ भी नहीं है। याद रखिएगा, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हाँ, कोई अपनी मर्जी से आके नहीं बैठा है। जितने भी बैठे ना बगदाद वाले के कर्म से बैठे हुए। जरा सोचो और फैसला करो, अगर अजमेर वाला ऊंट नहीं उठने देता तो बगदाद वाला अपने दीवानों को कैसे उठने दे सकता। अल्लाह सलामत रखे। और यकीनन जितने भी जलसे में आके बैठे हो ना, माँ बाप जिंदा हो तो कदम चूमना, चले गए हो तो दुआएं मगफिरत देना। इसलिए कि तुम जो यहाँ बैठे हो ना, इसमें जरूर तुम्हारे माँ बाप की तरबियत शामिल है। जरूर इसमें माँ बाप की तरबियत शामिल है, वरना जिन माओं ने बच्चे गाने सुना के पाले होते हैं ना, वो जलसों में नहीं बैठे होते, वो डांस की पार्टियां बात करते। मगर ये नात वाले हैं, आधी रात गुजर गई है, रात के तो 12 बज गए हैं, अभी चेहरों पे 12 नहीं बजे। और अल्लाह सलामत रखे, जो लोग ऊपर बैठे हैं अगर ये भी बोल देंगे सुभान अल्लाह तो शान नीची नहीं होती है सुभान अल्लाह बोलने से। ये ऊपर वाले लोग जितने भी यहां से लेके वहां तक, यार मैं अगर ये कहूं ना कि ये ऊंची जगह देख के बैठे तो शायद कोई कहेगा यार इतनी प्यार है हुजूर से, यहां भी जगह देख रहे थे और इस बच्चे को देखो नाली के करीब बैठ गया। क्या मजबूरी थी इसकी? इसके घर बिस्तर नहीं, इसके घर चारपाई नहीं, यार सब कुछ है, यहां क्यों बैठा है? ये कहेगा हुजूर की महफिल थी, कहीं जगह ना मिली तो जहां जगह मिल गई मैं वहीं बैठ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, तो अगर जो ऊपर बैठे हैं तो ये ना सोचे जी हम ऊपर हैं, हम सुभान अल्लाह क्यों बोल रहे। कोई बात नहीं है, अगर ऊपर भी बैठे हो तो जुड़े जमीन से ही हो। एक शायर साहब कह रहे थे माइक में, जी मैं हवाओं में उड़ता हूं, तो मैं नीचे बैठा था स्टेज पे, मैंने कहा भाई इतना भी ना उड़ के कभी नीचे ही ना उतर सके। हाँ, कितना भी ऊंचा उड़ जाओ आना आना, कितना भी उड़ लो आना। हाँ, चाहे वो इल्म वाले हो, दौलत वाले हो, शोहरत वाले हो, हुनर वाले हो, कभी घमंड ना करना। इसलिए कि आना नीचे ही है। आप कितने भी अकड़ के चल लो, कब्रिस्तान खुद नहीं जा सकते हो, उस दिन तुम्हें चार कांधों की जरूरत होगी। और जरूरी नहीं है आप करोड़पति हैं तो आपको वही कांधा देगा जो लखपति होगा या अरबपति होगा। कितने ऐसे गरीबों के भी कांधे मिलते हैं तुम्हें, जिन्हें वक्त पे खाना मयसर नहीं होता। कभी नजर में किसी को नीचा ना समझिएगा, हमेशा रब से दुआ करना, मालिक कभी जलील ना करना। और जितना तू चाहे दे, लेकिन कभी अपनी चौखट से दूर ना करना, ये भी रब से दुआएं मांगना। तो कभी कभी ऐसा भी होता, लोग कह देते जी हम तो ना जमींदार लोग हैं, हम क्यों सुभान अल्लाह बोले, ये तो छोटे लोगों का काम है। हाँ, छोटे लोगों का काम है भाई, फला मास्टर साहब नहीं आए कि नहीं जी, वो पढ़े लिखे लोग हैं, जलसों में पढ़े लिखों का काम थोड़ी है। नहीं, जलसे में आने के लिए इल्म जरूरी नहीं, जलसे में आने के लिए हुजूर का इश्क जरूरी है। सुभान अल्लाह।
हुजूर का इश्क जरूरी है। यार मेरे दिल में लालच हो सकता है, आजम भाई के दिल में लालच हो सकता है, यूसुफ भाई के दिल में लालच हो सकता है, मगर ये जो बैठे हैं ना इशाबाद से और अब तक नहीं उठे हैं, इनके दिल में कौन सा लालच है? सिर्फ एक ही लालच है, बस सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निकाह के मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए, गुलाम मुस्तफा प्रियंकर में बिक जाऊं, मदीने में मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार। सिर्फ यही तो लालच है जो उठने नहीं देता, वो यार इश्क है मेरे हुजूर का इश्क है। और हम तो कहते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये इश्क का दर्द क्या होता है ये कोई आशिक से पूछे, दीवाने क्या जाने इश्क क्या है, आशिक से पूछो ना इश्क क्या है। ताजदारे बगदाद के बचपन का जमाना गुजर के जा रहे, आवाज आई अब्दुल कादिर बता महबूब बनना है कि मुहिब बनना है। यार शान देखो सरकारे गौसे पाक की, अब्दुल कादिर महबूब बनना है कि मुहिब बनना है। तो माँ के फरमा बरदार थे, कहने लगे माँ से पूछ लो। घर की तरफ बढ़े, माँ भी कोई आम नहीं थी, बेटा वली है तो माँ भी वलिया है, याद रखिएगा माँ भी वलिया है। घर की तरफ बड़े कोने पे एक मजजूब बैठा है, कोने पे मजजूब बैठा है, गौसे पाक को गुजरते देखा, कहने लगा बेटे किधर जा रहे हो? कहा माँ से एक सवाल करना है। कहा कौन सा? कि महबूब बनूं कि मोहिब बनूं? उसने भी कुछ ना कहा। कहने लगे जाओ पूछो। घर आए, कहने लगे माँ बता महबूब बनना है कि मोहिब बनना है? तो माँ ने कहा बेटे मुझसे ना पूछ, उससे पूछ जो कोने पे दीवाना बैठा हुआ है। वापस पलटे, अल्लाह अकबर, वापस पलटे तो जाके देखा मजजूब नहीं। एक रिवायत में यूं भी आता है कि उनसे पूछा था आप बताइए महबूब बनूं के मुहिब, तो उन्होंने कहा था कल पूछना। ये भी एक रिवायत है। वापस आए तो थे नहीं, कहने लगे अजीब वली है, मेरी माँ कह रही वो वली है लेकिन यहाँ है नहीं, उन्होंने तो वादा किया था कल बताएंगे। लोगों से पूछा क्या हुआ? कब? वो तो इंतकाल कर गए। इंतकाल कर गए, कहाँ मिलेंगे? लोगों ने कहा कि कहाँ मिलेंगे, कौन? कहा वो जो बैठे, वो कहा वो दीवाना, वो कोई दफन करने के लायक था? कहा फिर कहा हमने उसे कचड़े के ढेर पे डाल दिया। वो से पाक गए, जाके कहने लगे अल्लाह वाले कभी वादा करके झूठा नहीं करते, बता तो सही तूने वादा किया था कि महबूब बनूं या मुहिब, ये आज बताना है, बिना बताए चले गए, अब मुझे कौन बताएगा? तो वो जो जनाब इंतकाल कर चुके थे आंख खोली, कहने लगे मैं ही बताऊंगा, मैं ही बताऊंगा। कहा बताइए? कहने लगे अब्दुल कादिर हो सके तो महबूब बनना, मुहिब ना बनना। कहा किस लिए? कि मुहिब बनोगे तो ये हाल होगा जो मेरा हुआ है, महबूब बनोगे तो जमाना नाज उठाएगा, और फिर महबूब बने तो कैसे महबूब बने? खुदा ने महबूब सुभानी बना रहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, महबूब सुभानी, और ऐसा महबूब। फरमाया अब्दुल कादिर निजाम मेरा होगा, कलम तेरा होगा, कलम तेरा होगा, जबान तेरी होगी, फैसला मेरा होगा। फिर गौसे पाक ने कहा कदमी हाजी अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर गए, तो जिस जिसने गर्दन झुका दी थी सारे वली बना दिए गए, जिसने इनकार कर दिया था उनकी विलायत छीन ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नसीब वाले उस बड़े पीर की महफिल में बैठे हो जो कहता है यहां से हाथ बढ़ा करके मैं कोसो मील कोसो फासलों हजारों मील की दूरी का मुरीद का सदर छुपा देता हूं, वो है सरकारे गौसे पाक। अल्लाह अकबर, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इश्क करो लोगों हुजूर से। कभी अक्सर होते ना जलसे, मैं तो जाता हूं ना
तो कमेटी वाले बताते हैं तकलीफ होती है, कमेटी वाले बताते हैं यार फला आदमी ने चंदे देते टाइम ऐसा कहा था, उसने पैसे देता टाइम ऐसा कहा था, उसने कहा था क्या फायदा जलसों का। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, कोई फायदा हो ना हो, जब जलसा हो जाता तो हुजूर का इश्क ताजा हो जाता। बेशक सुभान। आजम भाई नाथ पढ़ रहे थे, बच्चे दीवानों की तरह झूम रहे थे, बेशक दीवानों की तरह। कभी खड़े करके कह रहा जरा झूम के दिखा, कोई नहीं हिलेगा। यार ये हुजूर का इश्क है, अगर बात होती है ना हुजूर की तो फिर रूह फड़कने लगती है, दिल धड़कने लगता। बात उसकी हो गई है जिसे रब ने जाने जाना बना के, जिसको शाने कायनात बनाया है, जिसको जाने कायनात बनाया है। आलागत क्या कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक यही तो आला हजरत ने, और फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमारी जमात में भी ये भी झगड़ा चल रहा है उसमें भाई, कोई कहता नहीं जी मेरा पीर बड़ा और तेरा पीर बड़ा है, कोई कह रहा नहीं गौसे पाक छोटे हैं फला साहब बड़े, कोई कहता नहीं वो बड़े हैं वो छोटे हैं। भाई ये फैसला वो करे जो दोनों से बड़ा हो, नहीं जानता तो छुप रहे। अलबत्ता शान गौसे पाक की भी कम नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत ने कहा था अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, होशियार रहना कभी गौसे पाक से मत लड़ जाना, वरना ऐसी खटिया खड़ी करेंगे कोई बिछाने वाला नसीब नहीं होगा। उनकी ना महफिल को भौंका करो ना उनकी बातों पे भौंका करो, तुम नहीं जानते हो, समझ में नहीं आता गौसे पाक कौन है, बड़े बड़ों के भेजे में बात नहीं आई। गौसे पाक की अपनी शान क्या है यार, कितना भी बड़ा पाए का बनी है, गौसे पाक का इनकार करते अल्लाह विलायत छीन लेता है। बताओ तुम 40 साल भूखे रोज सो जाओ, जो लोग कहते हैं ना गौसे पाक कुछ नहीं है या क्या फायदा उनकी महफिल से, पूरी जिंदगी भूखा रहे और ये कसम खा के उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा। अल्लाह तो क्या कोई नेक बंदा भी खिलाने तुझे नहीं आएगा, मगर ये गौसे पाक की शान है, गौसे पाक की शान है। एक दिन जिद कर बैठे, मालिक उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तू नहीं खिलाएगा। कहते भूख इतनी बढ़ गई कि करवटे बदलते रहे, इतनी तकलीफ कि पेट दबा रहे, कभी बेहोश हो जा रहे भूख की वजह से, कभी उठ रहे कभी बैठ रहे कभी गिरते कभी उठते, इतनी शिद्दत की भूख है। हजरत खिजर आ गए, कहने लगे अब्दुल कादिर खाना खा ले, कहने लगे नहीं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा, जब तक खुदा नहीं खिलाएगा उस वक्त तक नहीं खाऊंगा। कहा सुन खुदा ने भेजा गया और कहा जा मेरे अब्दुल कादिर से कह दे तुझे मेरी कसम है खाना पड़ेगा। जब इतना कहा है तब गौसे पाक ने खाया, अल्लाह हू अकबर, बरेली से आवाज आती है कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत शाने गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर नारे रिसालत। ये है सरकारे गौसे पाक। फरमाया गया अल्लाह जब किसी को विलायत देना चाहता है यानी वली बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसका रजिस्टर हुजूर की चौखट पे पेश किया जाता है। सबसे पहले वो रजिस्टर हुजूर की बारगाह में आता है, फिर हुजूर फरमाते हैं जाओ ये रजिस्टर मेरे अब्दुल कादिर के पास ले जाओ। किसे वली बनाना है ये फैसला मेरा अब्दुल कादिर करेगा। गौसे पाक निगाह डालते गए इंतखाब करते गए, फिर वो रजिस्टर उठ करके हजरत अली की बारगाह में जाता है, फिर हजरत अली देखते हैं अब्दुल कादिर ने इंतखाब किसका किया है। जब गौसे पाक के साइन होते हैं उसके बाद अली की मोहर लगती है, फिर ये रजिस्टर उठ करके मुस्तफा की चौखट पे जाता है। जब आका देखते हैं अब्दुल कादिर का भी मोहर है मौला अली की भी मोहर है, फिर उस पर आका की मोहर लगती है, फिर ये रजिस्टर खुदा की बारगाह में आता है। रब कहता लोगों जिसको इन तीनों ने फाइनल कर दिया है उसको खुदा ने भी वली बनाना फाइनल करना। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी महफिल सजा के बैठे किसी रमकीले बा चमकीले शाह जुब्बे शाह चमकीले शाह हथौड़ी शाह कटोरी शाह की महफिल नहीं, ये बगदाद वाले ताजदार।
और हुजूर का कितना लाड़ प्यार है इन पे। अल्लाह अकबर, हुजूर की सबसे लाडली है सैयदा फातिमा ज़हरा और उनके सबसे ज्यादा लाडले हैं सरकारे गौसे पाक। ये बात मशहूर थी, जब आप किसी की विलायत छीन लेते थे ना और नहीं देते थे तो फिर वो अर्जी लगाते थे सैयदा फातिमा ज़हरा की चौखट पे, जिसको हसनैन की अम्मी अगर सिफारिश करती थी अब्दुल कादिर बेटे दे दे विलायत, फिर वापस कर देते थे। और लोग इस शान वाली महफिल में बैठे हो, जब तक जिंदा रहना बड़े पीर की महफिलें करते रहे, बड़े पीर की महफिलें करते रहना। आज ना हम तो यही डिसाइड नहीं कर पाए हम अच्छे के मौलवी अच्छा है, हम अच्छे के इमाम अच्छा। हमें तो बड़ा गुरूर रहता ना पैसे का कि दो मिनट में चाहेंगे तो यूं जिस मौलवी को चाहेंगे घुमा देंगे। तो मौलवी नाम को घुमा सकते हो लेकिन मौलवी की जात को नहीं घुमा सकते। याद रखिएगा, कम से कम अपने अकीदे की और अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें। मैं आपको नहीं जानता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं कहूंगा आपकी मोहब्बत खींच लाइए। मैं आपको आज पहली बार सही से जान के जाऊंगा, इसलिए कि मुझे तो शाहिद भाई ने फोन किया, मैं चला आया और बस आज आपसे पहली मुलाकात है। लेकिन इंशाल्लाह ये मुलाकात आपकी यादगार मुलाकात रहेगी। कम से कम ये मुझे खुशी हो रही है, मैं हिंदुस्तान भर में बोलता हूँ, मेरे इलाके में इतना अच्छा लोग जलसा सुनते हैं कि सारी दुनिया सो रही है, यहाँ के बच्चे भी बैठ के हुजूर की बातें सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, बच्चे भी हुजूर की बातें सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन क्या बात थी, महबूब बनना मुहिब ना बनना। मगर कसम से अगर हुजूर के हो जाओ ना, कोई नौकर कोई भी खादिम अपने आका को वैसा नहीं पा सकता जैसे उम्मत ने हुजूर को पाया है, जैसा उम्मत ने हुजूर को पाया है। उन जैसा जिगर हो तो ला के दिखाओ, उम्मत से प्यार किसी नबी ने इतना किया हो तो ला के दिखाओ। और यार दुनिया अपनों से करती है, उन्होंने तो गैरों को सीने से लगाया है, गैरों को सीने से लगाया। और कभी कभी लोग कहते थे अगर डांस पार्टी होती ना तो इतनी भीड़ होती, इतनी होती। मैं कहता हूं कहते अब ना कहना, डांस पार्टी में इतनी भीड़ हो ही नहीं सकती जितनी बगदाद वाले की महफिल में भीड़ हो सकती। सुभान अल्लाह। और जाओ आजमा लेना गुरेर वालों, तुम्हारे गांव में भी डीजे बजते होंगे। क्यों चुप गए भाई, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा भाई, कौन देखने गया था। बजते ना, सिर्फ एक बात बताऊंगा, डीजे बज रहे, गाने बज रहे, तुम 4 बजे तक जलसा सुनो और सुबह को फिर उठ के बिस्तर से आना। ऐसा लगेगा जैसा कि ये अभी नहीं बल्कि परसों की नींद पूरी करके आ रहा है। लेकिन अगर किसी नाच की महफिल से बंदा निकल के आए, ऐसे देखो ना उसका मुंह, लगता है किसी ने जूता भी फेरा है, झाड़ू से भी मारा है। इतने चेहरे बिगड़ जाते हैं। ये हुजूर के जिक्र की महफिल की खुली बरकतें हैं कि चेहरे बिगड़ा नहीं करते, निखरा करते हैं। इसलिए कि जिसकी महफिल में बैठे हो कोई देखे न देखे मदीने वाला मुस्तफा देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर देख रहे हैं। किसने जलसे को सजाया, हुजूर देख रहे हैं। कौन जलसे में आया, हुजूर देख रहे हैं। किसने क्या किया महफिल में, मुस्तफा को खबर है। अल्लाह अकबर, हम तो उनके अपने कहलाते हैं साहिब, उन्होंने तो उनसे भी प्यार किया है जिन्होंने कभी उन्हें देखा भी ना था, जिन्होंने कभी उनको देखा ना था, उन्होंने तो उनके भी नखरे उठाए हैं जिनसे कोई रिश्ता ना था। आज प्यारे बता तो सही, कौन इतना गैरों से प्यार करता है। लोग इस्लाम को आतंकवाद कहते हैं, मुसलमान को आतंकवादी कहते हैं। आ उठा मक्के की तारीफ। सबसे बड़ा आतंकवाद तो तब था जब मुस्तफा नकी आए थे, सबसे बड़े आतंकवादी तब थे जब हुजूर नकी आए थे। उठा के देख तो सकी तारीफ, गुलामों पे कौन सा जुल्म था जो ना किया जाता था। अल्लाह अकबर, आओ तुम एक बिलाल की तारीफ सुना के चलो। अल्लाह अकबर, कौन है बिलाल? ये वो है जो बचपन में यतीम हो गए हैं, साथ में 3 बहनें हैं, 1 माँ है। खुद बिलाल फरमाते हैं, मैं बचपन में काम करने जाता था, जब काम करके आता था मेरी माँ मेरा चेहरा देख के रो दिया
करती थी। हाय बिलाल, इस उम्र में तेरे खेलने की उम्र थी, ये तो तेरे शौक पूरे करने की उम्र थी, इस उम्र में मजदूरी करने लग गया। फरमाते मेरी माँ बड़ा प्यार करती थी और मैं गुलामी में मजदूरी करता था। फरमाते के यतीमी के दाग ने वक्त में मजदूर बना डाला। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं फिर वो गलियां भी हमारे करीब आ गई कि मैं बिकते बिकाते उस शहर में आ गया जिस शहर में मदीने वाला जलवागर हुआ है। फिर उस शहर में मैंने आके देखा, मक्का शरीफ में पहुंचा। अल्लाह अकबर। जैसी मक्के में आया फिर क्या था, मदीने वाले की बातें हो रही थी, हुजूर के चर्चे थे। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, एक दिन मालिक ने क्या किया, आपके ऊपर जुल्म ज्यादती की, आप गुलाम बनाए गए, बाजारों में बेचा गया बिलाल को। लेकिन कसम खुदा की, कितने नसीबों वाला बिलाल था, जिसको लोग टकों में खरीद रहे थे उसे नबियों के इमाम ने भी खरीदा गए, आशिकों के इमाम ने भी खरीदा गए। यही बिलाल है, बिकते बिकाते मक्का आए हैं। एक दिन कमरे के अंदर गए, सर में तेजी का दर्द है, पीसने के लिए जो थी बैठे हुए गए, तेजी के साथ दर्द हुआ, आंख में आंसू आए, हुजूर का गुजर गली से हुआ, किसी के रोने की आवाज सुनी, आपने रुख अपने घर नहीं किया गए, फिर उधर गए जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। जैसे दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन है जो अंदर रो रहा है। आवाज आई, कौन है पूछने वाला, अंदर आजा, दरवाजा खुला गए। जैसे इतनी बात कही गए, मेरे हुजूर ने दरवाजा खोला गए, क्या देखते हैं, रंग का काला है, दांत बड़े है, नाक मोटी है, चेहरे का रंग काला। अल्लाह अकबर। हुजूर ने देखा, करीब आए, फरमाते बता रोता क्यों है। जैसी हजरत बिलाल ने हुजूर का चेहरा देखा, कहते ये तो बाद में बताऊंगा क्यों रो रहा हूँ, पहले ये बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो। कहा किस लिए, कहा मक्के में एक वक्त गुजर चुका है, आज तक यहाँ कोई किसी का दर्द पूछने नहीं आया, किसी ने किसी के आंसू साफ न किए, मेहरबा बता तो सकी तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और मेरा दर्द तुझको कैसे एहसास हुआ इसका। मेरे हुजूर फरमाते हैं ये न पूछ मैं कौन हूँ, तू बता क्यों रो रहा है। हजरत बिलाल ने कहा मेरा मालिक बड़ा जल्लाद है, ये नाच रखा है, अगर इसको न पीसा तो मुझे मारेगा, मगर दर्द इतना है कि बैठा नहीं जाता है। इतना सुनना था नबुव्वत वाली आंखें छलक जाती है। हाँ हाँ, हुजूर का कलमा हम भी पढ़ते हैं, हमने भी हुजूर से वफा का दावा किया है। आज सगे भतीजे गुलामी का, आज सगे भतीजे मजदूरी की चक्की में पिस रहे हैं, और चचा मौज की बैठ के खा रहा है। उस बार गुलामी ये रसूल कहाँ चली जाती है, जब सगे भतीजों के पैर में टूटी हुई जूती होती है तब कहाँ चली जाती है इश्क रसूल की कहानियां, मुझे भी तो बताया जाए। अल्लाह अकबर। इश्क रसूल ये नहीं है कि तेरे अपने फाके से सोते रहे, तू पेट भर के सोता रहे। इश्क रसूल ये नहीं है तेरे बेटे 10,000 के कपड़े पहने, यतीम भतीजों के लिए एक पुरानी चर्सी तक ना हो। इश्क रसूल ये नहीं है कि तेरे बच्चे मुर्ख मुसल्लम खाए, गरीब भतीजे के पास चटनी खाने के लिए ना हो। नहीं, इश्क रसूल ये नहीं है, बल्कि इश्क रसूल ये है अगर तेरे आगे मुर्ख रखा गए, तेरे गरीब भाई के आगे, भतीजे के आगे चटनी रखी है, अपने आगे की उठा, गरीब के आगे जाके बैठ जा, अपने खाने के लुकमे बना, भाई के मुंह में दे दे, इधर गरीब राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा इश्क रसूल चेक करेंगे आप, कर लेना, और हर बंदा अपना इश्क रसूल चेक करे। कारी यूसुफ साहब के बिला, हम तो जर्सी उस वक्त तक गरीब को नहीं देते जब तक वो घिस ना जाए। सर्दी आ रही है ना, लोग कहते हैं ये जर्सी रखने ने दो, किसी गरीब को दे देंगे। क्यों? कुरान तो ये कहता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, और तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीज को अल्लाह की बारगाह में ना दो। सुभान अल्लाह। महबूब चीज वो हमने दिया भी क्या, जो यहां से घिस गई थी जैकेट का, किसी गरीब का भला हो जाएगा, नहीं तुझसे बड़ा गरीब कौन होगा जो फटे कपड़े गरीब को दे रहा है, तुझसे बड़ा गरीब कौन है। इस जर्सी की जरूरत यतीम को नहीं, तुझे खुद पहन, अपने बच्चों को पहना, ये इश्क रसूल नहीं। हमारी जेब में 5 50 50 की रखे हो, जब मस्जिद की गोलक में डालने की बारी आती है तो सबसे पुराना नोट ढूंढते। जी बेशक।
हाँ, 10 हो या 5 हो, 50 हो, जितने का भी हो ना, सबसे पुराना नोट निकालते हैं, भाई कौन सा डालना गोलक में, कि चलो ये डाल दो, मुझे बता 50 नए हो के पुराने हो, चलने तो सारी 50 में ना, ये तुम्हारे यहां नया नोट 55 में चल जाता हो तो बताओ कुछ गड्डियां मैं भी लेके आ जाऊं, 50 में चलेगा ना 50 का नोट जी, 10 का 10 में चलेगा, लेकिन हमने अपनी औकात दिखाई है, सबसे फटा नोट निकाल करके हम ये दिखाना चाहते हैं अच्छे के हकदार हम हैं और गंदे का हकदार खुदा है। शर्म आनी चाहिए हमें जब मस्जिद में देने की बारी आए, पुराना नोट ना निकाल, सबसे नया नोट निकाल और कहते यार अब नोट सारे ही बराबर है, लेकिन तुझे वो दूंगा जो मेरी जेब में सबसे बेहतर नोट रखा। नए जूते लेके आना, ये पुराने किसी यतीम को दे दो, हाँ गरीब को दे दो, किसी को वो पुरानी जर्सी गरीब, पुराने जूते गरीब के, और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तू जर्सी नहीं देने को तैयार नहीं, गला कटा देगा, आएंगे मूंगफली बेचने के लिए गरीब, पैसे वाले अंदर बैठ के हुक्का चल गया और कह रहे कौन है, कह जी मूंगफली बेच रहा हूं, ला कितने की दी है, तुम बिस्तर में लेटे लेटे मूंगफली तुलवाते हो, और ना उसके कपड़ों पे नजर ना उसके जूतों पे नजर, और वो जो दो पैसे के लिए बिजनेस करता उससे दो मूंगफली के लिए लड़ जाता है ये अमीर, के तीन दाने और डाल, दौर बढ़ा, कम तो ले आ, शर्म कर, हया नहीं चाहिए हमें हया, हम गरीब से तीन मूंगफली बढ़ा के लेते हैं, तुझसे बड़ा गरीब कौन होगा जो गरीब से भी भीख मांगने पे लगा पड़ा है। जी बेशक, खुद फैसले करना अपने, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता मैं अच्छा हूं, मुझ पे लाजिम है मैं अपने बारे में सोचूं, जब दूं तो कैसे दूं, फोटो छपते हैं यूसुफ भाई, एक केला था, तीन नेता खड़े थे, गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को, तीन केले, तीन नेता, एक केला, ऐसा लग रहा था ये केला नहीं दे रहे, हिंदुस्तान की पूरी अर्जी नाप के दे रहे, ये तू ले जा, तमाशा बना रखा है, कुछ अमीरों को शौक होगा नुमाइश का, कंबल भी बटेंगे, देखना भी शुरुआत है सर्दी की जी, देखना एक कंबल लेके कहते जी बाहर निकलो, गरीबों को झोपड़ी से बाहर निकाला जाता, बुरा ना मानिएगा अगर किसी ने किया हो, खुदा के वास्ते बंद करो ये तमाशे, हाँ बंद करो ये तमाशे, एक साहब कहने लगे मैंने इस बार 2000 कंबल बांटे, मुझे अपना वीडियो दिखाने लगे, ये देखिए मैंने कंबल बांटे, वो तो ये समझ रहे थे कंबल देख रहा है, मैंने कंबल नहीं देखा, मैंने गरीब की झुकी झुकी निगाहें देखी थी, मैंने लचे लचे लोगों को देखा है, अल्लाह अकबर, वीडियो बना रहा था, जिसके हाथ में कैमरा था, मुंह पर कर ऊपर, वो एक बेटी थी, अल्लाह अकबर, चेहरे पे उसके कपड़ा पड़ा था, वो तो हया से पहले ही झुक चुकी थी, इसलिए कि तुमने उसको गरीबी के तमाशे को तुमने चौराहे पे ला के खड़ा कर दिया था, दूसरा बदमाश कह रहा था, बेटी मुंह पर उठा, बता बता तो सही कब से कंबल लगी होड़ा, ओ जालिम हया कर, इसको इसने तो रब की अता पे पर्दे डाले हैं, इसने कभी रब की अताओं का लोगों में ऐलान नहीं किया, ये तो कभी बताना नहीं चाहती थी कि मेरे पास 3 साल से कंबल लगी है, इसने कभी जमाने को ये नहीं बताया हमने 6 साल से लिहाफ नहीं ओढ़ा, ओ तू कितना बेगैरत निकला, गरीब का चेहरा उठा के कहता है बेटी जरा मुंह उठा के दिखा, आज मुंह उठवा ले, लेकिन याद आज तेरे पास पावर है, जब मर के कब्र में आएगा उस दिन तेरे पास पावर नहीं होगी, जो भी पावर होगी सिर्फ खुदा के पास पावर होगी, इतना ले कितना इतराना है, तमाशा बना कितना बनाएगा, जब अल्लाह पर्दे उठाएगा कोई इज्जत देने वाला नहीं होगा, कोई ऐबों को छुपाने वाला नहीं होगा, किसी गरीब को कुछ दे करके उसका वीडियो ना बनाना, उसको जलील ना करना, अगर देना ही है तो रात के अंधेरे में दे दे, कोई देखे ना देखे, कुंभ खजरा वाला नबी भी देख रहा है और काबे वाला खुदा भी देख रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशक सुभान, किसी गरीब का तमाशा ना बनाना, सोच जरा आज जहां ये गरीब की बेटी खड़ी है, कल इसी लाइन में अगर तेरी बेटी खड़ी हो,
और उसके फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो, अगर तू कब्र में भी होगा तो बेटे फिटो कूदेगा के जमाने ने मेरी इज्जत उछाल दी। जैसे अपनी बेटी के बारे में सोचते हो ना, वैसा ही दूसरे की बेटी के बारे में सोचा करो। जिस तरह तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है ना, उतनी ही दूसरों की इज्जत से प्यार किया करो। क्यों नहीं करते हम प्यार? हमने तो साहब मकान भी इसलिए ऊंचे बनाए हैं ताकि पड़ोसी से मेरी छत नीची ना रह जाए। हाँ, हमने इसलिए बिल्डिंग है ऊंची की ताकि हमसे पड़ोसी आगे ना निकल जाए। हम आपस में एक दूसरे को नीचा करने पे लगे हैं। जमाना अपनी चाल चल गया है, दुनिया ने अपनी चालें चल दी। अभी हम यही लड़ रहे हैं, बात बात पे एक दूसरे से नफरतें, गुस्सा, एक दूसरे को जलील करना। ना जलील ना कर, सारे खुदा के बंदे हैं, सारे ही खुदा के बंदे हैं। हजरत अली ने फरमाया था, लोगो ताकतवर से भले ना डरना लेकिन कमजोर से हमेशा डरना। का जनाब क्यों? गरीब क्या बिगाड़ लेगा? फरमाने लगे नहीं, ये सोच गलत है, गरीब क्या बिगाड़ लेगा। फरमाते हैं कि जब गरीब का दिल टूटता है ना, उसकी आह अल्लाह के अर्श से जाकर लिपट जाती है। जब गरीब को दुख दोगे तो बदला खुदा लेगा। इसलिए किसी कमजोर को ना सताना, किसी नीचे को जलील ना करना। अपने मुआशरे में मोहब्बतें पैदा करो, अपने मुआशरे में प्यार पैदा करो। यार कब तक एक दूसरे को जलील करोगे? किसी को जलील करके कोई आगे नहीं बढ़ता है। अल्लाह फरमाता है, ओ तुम मेरे बंदों पर रहम करो, मैं तुम पे रहम करूंगा। हुजूर ने फरमाया, जो जमीन वालों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम, अल्लाह उस पर रहम तो करेंगे इंशाल्लाह बंदों से प्यार। बोलो इंशाल्लाह। मुझे मालूम है मेरी तकरीर खुश्क है, बातें कड़वी लगेंगी आपको, लेकिन याद रखिएगा ये कड़वी बातें ही आपका असली इलाज है, आपका असली इलाज है। जन्नत में जाना है ना, तो फिर कमजोरों से प्यार करो, कमजोरों से प्यार करो। और बहुत बड़ी बात बता दूं, बहुत बड़ी बात यह है, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन मैं उधर खड़ा होऊंगा जिधर मेरी उम्मत के गरीब खड़े होंगे। बेशक सुभान अल्लाह। जिधर मजलूम खड़े होंगे उधर मैं खड़ा होऊंगा। और याद रखिएगा, जिधर हुजूर खड़े हो जाते हैं उधर ही पूरा निजामे कायनात पर बदल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो कहा है ना, अल्लाह अकबर, बरेली से आवाज आती है, नेमतें बांटता जिस्म तो वजीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान है। हुजूर जिधर चले जाएं खुदा की रहमतें उधर हो जाती है। अगर ये चाहते हो हुजूर हमारी सब में खड़े हो, तो फिर जुल्म न करना, फिर इंसाफ करना, लोगों पर रहम करना, नाम ना करना। जो ये शोहरत है पा रहे हैं ना कि मेरा नाम हो जाए, 100 रुपए मस्जिद में देख के 3 बार ऐलान कराता है, फजर में कराता, आधे लोग सो रहे थे, जुम्मे में एक बार और कर दो। ऐसा लग रहा है जैसे कि मस्जिद नबी की जमीन इसी नहीं खरीद के दी हो, फटा जा रहा 100 रुपए के लिए। अगर हमने इसलिए 100 रुपए दिए हैं ताकि ये जितने भी कुरेर के लोग हैं समझ जाएं, फला अमीर ने 100 रुपए दिए हैं तो समझ ले तेरे 100 रुपए जहां दिए थे वहीं खत्म हो गए। जब दिया करो दिखाने के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए दिया करो, खुदा को राजी करने के लिए दिया करो। मुट्ठी बांध के दे दे, मत करा ऐलान, कोई देखे ना देखे, ये लिख रखे गए कंधे पे। जब अमलनामा खोला जाएगा, पूछा जाएगा किसके लिए दिए थे, जमाने के लिए? नहीं, मैंने खुदा के लिए दिए थे। खुदा कहेगा आजा, मैंने जन्नत तेरे लिए बना के रखी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। तो जो भी करना है अल्लाह और उसके रसूल के लिए करना है, करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सारे लोग अल्लाह रसूल की रजा के लिए काम करें। हुजूर तशरीफ लाए, तवज्जो है। मैं जब बात कर रहा था, याद है ना आपको, हुजूर आए, फरमाने लगे क्या नाम है? कहा जी मैं गुलाम हूं। परेशानी क्या? का सर में दर्द है, पैर का इतना जो है, जो एक चीज होती है ना, गेहूं धान जो बोलते हैं ना उसको, तो का ये है, इसको पीस रहा है लेकिन सर का दर्द है ना, बैठने नहीं देता। मेरे हुजूर ने इतना सुना, अपनी मुजम्मिल वाली चादर कांधे से उतारी। आज अपने हालात हम देखे ना, अगर कोई बड़ा आ जाए ना तो छोटे अगर बैठे ना तो हिलते ही नहीं,
ये सोचते हैं इसे जगह दे दी तो फिर बेइज्जती हो जाएगी हमारी, हम छोटे हो जाएंगे ना। जब भी बड़े आ जाया करें, उठ जाया करो। इज्जत देने से इज्जत घटती नहीं, इज्जत बढ़ा करती है। हाँ, तो हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर दे दी, फरमाया इसे लगा, लेट जा, तेरी चक्की मैं चला देता हूं। है कोई ऐसा? तेरी चक्की मैं चला देता हूं। जैसे ही हुजूर ने हाथ बढ़ाया, जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह मेरे होते हुए चक्की आप चलाएंगे? सुभान, मेरे होते हुए चक्की? फरमाया जिब्रील ठहर जा, आज खाली चक्की के पार्ट नहीं फेरने हैं, आज किसी का दिल भी अपनी तरफ फेरना है। सुभान अल्लाह, हुजूर ने चक्की चलाई, आटा तैयार, चले। कहने लगे परेशान ना होना, मैं कल फिर आऊंगा। हजरत बिलाल ने दमन पकड़ लिया, जाते जाते ये तो बताते जाओ कौन हो। फरमाया ना, मैं कल फिर आऊंगा, फिक्र ना कर, मैं फिर तेरा काम करूंगा। अगला दिन फिर आया, हुजूर फिर तशरीफ लाए, फिर आकर के चक्की चलाई, फिर आटा तैयार किया। जाने लगे ना, फिर हजरत बिलाल ने कदम पकड़ लिए, कहने लगे जरा जाते जाते ये तो बता के जा, तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है? मेरे हुजूर कहते हैं अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे अल्लाह का रसूल कहा जाता है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हजरत बिलाल कहते हैं वही तो नहीं हो लोग जिनके सामने जाने से डरा करते हैं, कहीं वही तो नहीं हो लोग जिन्हें जादूगर बताते हैं? मुस्कुरा के कहते हैं हुजूर हाँ बिलाल, मैं वही हूँ जिसे लोग जादूगर कह के आवाज देते हैं, जिसको लोग जादूगर बताया करते हैं। हजरत बिलाल की चीख निकल गई, कहने लगे कसम खुदा की जिसने आंखों से देख लिया वो कभी जादूगर कह ही नहीं सकता है, जिसने नहीं देखा है वही कह सकता है। कहने लगे फिर कलमा पढ़ाने आते हो? कहा हाँ। कहने लगे मैं भी पढ़ लू कलमा? मेरे हुजूर ने कहा हाँ बिलाल, तू भी कलमा पढ़ ले। हुजूर ने हजरत बिलाल को कलमा पढ़ाया, आकर ने फरमाया बिलाल लेकिन अभी कलमे का इजहार ना करना, बड़े मरे जाओगे, जुल्म होगा। हजरत बिलाल ने सुना, हुजूर चले गए, अल्लाह अकबर क्या हुआ? फिर हजरत बिलाल का भी राज खुल गया। दो मौकों से हजरत बिलाल का राज खुला। पहले आप जब आपने कलमा पढ़ा, उस वक्त आप अब्दुल्लाह बिन जदान के गुलाम थे, जब आपने कलमा पढ़ा के अल्लाह अकबर, आप उस वक्त में किसी काम में मसरूफ थे, आपकी जबान पे हुजूर का कलमा था। जैसे अब्दुल्लाह बिन जदान ने सुना, कहने लगा बिलाल क्या तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा है? कहा हाँ। कब फिर इसका दिल बदला, इसने कहा क्यों ना इसे जल्दी हटाया जाए, कहीं इसकी वजह से बाकी गुलाम भी उनके ना हो जाए। ये सोच के रातों रात अबू सुफियान के पास गया, कहने लगा मेरा गुलाम लोगे? ये नहीं बताया कि वो कलमा पढ़ चुका है, दे दिया गुलाम उनके हवाले कर दिया। अल्लाह अकबर। जब वो पहुंचे उमैया के पास, हजरत बिलाल हजरत पहुंचे गए उमैया के पास, जरा गौर से सुनना प्यारे, उमैया के पास हजरत गुलाम बिलाल गए, जब गए ना तो उसके पास में हजरते जैद बिन हारिसा, ये पहले से अम्मार बिन यासिर पहले से मौजूद थे, हजरते अम्मार बिन यासिर ये पहले से मौजूद थे। उसने बांध रखा था मारने के लिए, जब थक गया तो बिलाल के हाथ में घोड़ा दिया, कहा अब मार ताकि इसकी जबान से जो कलमा है ये निकल जाए। अब जरा सोच प्यारे, अम्मार बिन यासिर भी हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, बिलाल भी हुजूर का कलमा पढ़ चुके हैं, लेकिन हाथ में बिलाल के घोड़ा आया, सामने कलमा पढ़ने वाला है। अम्मार बिन यासिर ने कहा था अल्लाह अकबर, बिलाल दो चार कोड़े मारने के मार ले, लेकिन अपने राज को राज रहने देना, मैं पिटता हूं पिटता रहूंगा, लेकिन तू अपने राज से पर्दा ना उठाना। बिलाल बड़ी तकलीफ होती है, मार पड़ती है तो ए बिलाल बड़ा दर्द होता है, इसलिए छुपा ले अपने राज को। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने इतना सुना, उमैया खड़ा देख रहा है, जैसे आपके हाथ में कोड़ा आया, हजरत बिलाल ने कोड़ा घुमाया, तेजी से घुमा के फेंक दिया। उमैया ने कहा यह क्या कर रहा है? तो बिलाल ने कहा है तुझे क्या लगता है सिर्फ यासरी जुर्म का मुजरिम है? का मारना है सिर्फ यासिर को ना मारो, अम्मार बिन यासिर को ना मारो, अगर मारना है तो बिलाल को भी मारो। का क्या कहना चाहते हो? का जिसके हाथ में इसने हाथ दे दिया है, उसी के हाथ में बिलाल ने भी अपना हाथ दे। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अम्मार बिन यासिर के साथ अब हजरत बिलाल पर कौन सा जुल्म ना हुआ, मारे गए, पीटे गए, कूटे गए, हाँ कौन कौन सा जुल्म ना हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल को पीटते हुए मार खाते हुए देखा, कहने लगे बिलाल बड़ा दुख होता है जब तुझे मार खाता देखता हूँ, ऐसा कर तू कलमा पढ़ता है जोर से ना तो लोग चिढ़ जाते हैं तुझसे, आज तो मस्जिद में पंखे लगे हैं
कालीने बिछी हैं, एसी लगे मस्जिदों में। आदमी कहता बड़ा मुश्किल है भाई दीन पे चलना, ये काम तो बस मौलवी लोगों का ही है। बताइए आज मुश्किल है या तब मुश्किल था जब आग पे लिटा करके चर्बी पिघलाई जाती थी? आज मुश्किल है दीन पे चलना, आज ऐसी ये तो मुश्किल है दीन पे चलना। कल तलवारों के साए में सजदे होते थे तब मुश्किल नहीं था दीन? उठा के कह रहा बड़ा मुश्किल काम है दीन पे चलना। दीन पे चलना मुश्किल है नहीं, हमने बना रखा है, हमने बना रखा है। कितना मुश्किल है दीन पे चलना। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बिलाल यार जोर से कलमा ना पढ़ा कर, ये मारते हैं तुझे। आपने ना दो तीन दिन चुप रहे, कुछ ना पढ़ा, चुप रहे ना, तो फिर तीन दिन बाद आपकी जबान ने जोर से कलमा कह दिया। फिर मार हुई ना, तो फिर हजरत अबू बकर जा रहे थे, कहने लगा यार मैंने तो मना किया था जोर से कलमा ना पढ़ना। कहने लगे अबू बकर क्या बताऊं, जब तक उनके नाम पे पिटाई ना हो मजा ही नहीं आता है। मैं दो दिन चुप रह के देख लिया यार, मजा ही नहीं आया, इसलिए मारे खाता हूं ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हुजूर का गुलाम पिट रहा है। दुनिया जाने उनके इश्क में कितना दम है, इसलिए मारे खाता हूं। किसी ने कहा यार बिलाल तू उनसे इतना प्यार करता है, सुनना बहुत गौर से हजरत बिलाल के जुमले, तू उनसे इतना प्यार करता है उनके लिए मारे खा रहा है, लेकिन वो है कि तुझे बचाने नहीं आते, तो महबूब की बात थी। हजरत बिलाल ने ना ये नहीं कहा तूने सच कहा यार बिला वजह इतनी मारे खा रहा हूं, आपने मालूम है क्या कहा? आप कहते हैं अगर कोई बाजार से बर्तन खरीदता है ना तो वो भी बजा के देखता है। औरतें जाती है ना हंडियां बजा के बता देती हैं पक्की है कि कच्ची है। अब तो नहीं, अब तो कुकर चल रहे हैं, पहले आग में पकता था अब गैस में पक रहा है, इसलिए आदमियों को गैस की बीमारी बहुत हो रही है। भाई ये मत कह देना गैस की बीमारी क्यों, मुफ्ती अम्माद ने क्या कहा, तुम भी जरा ख्याल करना, ये थंबनेल बनाने में बहुत आगे होते हैं, गैस ही चिपका देंगे उसमें। बहरहाल तो आज पहले कच्चे बर्तनों में खाने बनते थे। लोग कहते हैं आज पैसा भी है सब कुछ है लेकिन अकीदे कमजोर है। मैं कहता हूं हाँ, पहले हवेली कच्ची होती थी, ईमान पक्के होते थे। आज हवेली पक्की हो गई है तो ईमान कच्चे हो गए। तो हजरत बिलाल से कहा कि यार छोड़ क्यों नहीं देता नाम जब वो तुझे पूछने ही नहीं आते। हजरत बिलाल कहने लगे जब कोई बर्तन खरीदने जाए तो वो भी बजा के देखता है, कच्चा है कि पक्का? कहते जब तुम बर्तन खरीदो तो बजा के देखते हो, और वो तो गुलाम खरीद रहे हैं, रब रसूल बजा के देख रहे हैं, मुस्तफा देख रहे हैं, मेरा बिलाल पक्का है कि कच्चा है? कहने लगे या अल्लाह मैं आजाद हूं ना हूं, बस मुस्तफा की नजरों में मुझे पक्का उतार दे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, हुजूर की नजरों में पक्का बना दे। एक दिन मेरे हुजूर गुजरे ना तो हजरत बिलाल पे मार होते देखी ना हुजूर रो दिए। मैं कह रहा था कि इश्क कैसा होता है, हुजूर रो दिए और आके बैठ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर पड़ गई, या रसूल क्यों रोए? कहने लगे अबू बकर अगर मेरे पास दौलत होती मैं अपने बिलाल को आजाद करा लेता। इतना सुना हजरत अबू बकर फौरन पलट गए, जैसे पलटे हुजूर ने फरमाया अबू बकर किधर जा रहे हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह बिलाल को आजाद कराने। हुजूर ने फरमाया फिर ऐसा कर बिलाल की खरीदारी में मेरा भी हिस्सा डाल लेना, बिलाल की खरीदारी में मेरा भी हिस्सा डाल लेना। अब जरा सुनना प्यारे, थोड़ा सा होशियार रहना, अकीदे के चोर घूम रहे, अकीदे के चोर लड़ाते हैं हमें, कहते हैं अबू बकर गलत है, उमर गलत है, हक अली का पहले है, ये कह के झगड़े करा रहे हैं हमारे बीच। बता तो सही जो हुजूर को सबसे प्यारा हो फिर वो उम्मत को बुरा क्यों लग रहा है? मेरी समझ में बातें नहीं आती। अब अगर कोई अबू बकर उमर को गाली देना तो मौलवी से फतवे ना लेना, समझ लेना कि ये अकीदे का चोर आया है। बहुत होशियारी की जरूरत है इस वक्त, कुर्बे कयामत है, ईमान बड़ी आसानी से सरक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हम मौलवी मौलवी देखते रह गए, पीर पीर करते रह गए, पीर ईमान ही चुरा के ले गया। अबू बकर को ना मानो, उमर को ना मानो, हाँ शान देख अबू बकर की। मेरे हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरा भी हिस्सा कर लेना।
उठे जाए। आपने ना पहले हजरत अब्बास को भेजा था जो ईमान भी नहीं लाए थे, कि अब्बास उमैया से मेरी नहीं बनती है, मैं जाऊंगा ना तो वो मुझे शायद बेचेगा ही नहीं, तुम जाओ सौदा करो। जब अब्बास गए ना हजरत अब्बास तो कहने लगे बेचोगे गुलाम को? उसने कहा बेचूंगा। तो कहा कैसे? कहा के उसने 50 सोने के सिक्के बताए, 50, जबकि ये कीमत 3 गुना ज्यादा थी, 50 सोने के सिक्के। कहने लगे मुझे नहीं खरीदना, अबू बकर को खरीदना है। तो मैया फौरन बदल गया, कहने लगा फिर सौदा अबू बकर के सामने ही होगा, उन्हें बुलाया जाए। अबू बकर सिद्दीक आ गए, जब पूछा ना कितने का है, उसने डायरेक्ट देखा, देख के कहने लगा अच्छा तुम आए हो। उसने कहा मैं 200 सिक्कों में बेचूंगा। आपने फरमाया जा, सौदा पक्का किया। उसने कहा नहीं नहीं ठहरिए, 400 सिक्कों में। बात बढ़ते बढ़ते 1000 तक आ गई। हजरत अबू बकर कहते रहे दिया, जब 1000 पे बात पहुंची लोगों ने कहा यार मैया शर्म कर, हांडी का मुंह खुला हो तो बिल्ली को खुद शर्म आनी चाहिए, तू बार बार सौदा बदलता जा रहा है। अबू बकर कहता जा रहा है हाँ, कम से कम हया कर, सौदा अब तो रहने दे। उसने कहा ऐसा नहीं दूंगा। कहा फिर? कहा 1000 सिक्के लूंगा और साथ में ना 3 कनीजे चाहिए, 2 कनीजे, 1 यमनी गुलाम चाहिए, 3 चाहिए इसके बदले में। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जा, वो भी दे दिए। सौदा हो गया, पैसे भी गिन गए, गुलाम भी दे दिए, तीनों काफिर गुलाम थे, तीनों दे के चले। जब हजरत बिलाल को लेने गए ना, जानते हो जैसे बंदा सजदे में जाता ना, इस तरह टांगे मोड़ के हजरत बिलाल की कमर के ऊपर 2 चक्की के पाट रखे हुए। अल्लाह, कितने? जोर से कितने? 2। मुर्गे से खा के बातें बनाने में कोई बड़ी बात नहीं लगती है। अपनी दुकान पर बैठ के पूरा दीन का निजाम समझाना बता और बातें कर लेना बड़ा आसान है, बड़ा मुश्किल होता है तपती हुई रेत पे हुजूर का कलमा पढ़ना, बड़ा मुश्किल होता है लोगों के जुल्म के आगे रब की वहदानियत का ऐलान करना। गए ना तो 2 पाट रखे थे, हटाए लेके कंधे पे डाल के चले ना, तो हजरत अब्बास कहने लगे अबू बकर इसमें ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी कीमत चुका के जा रहे हो? हम तो ये समझते थे कि तुमसे बड़ा अकलमंद और दाना कोई नहीं है, हम तो ये समझते थे कि तुम वो तिजारती हो जो कभी घाटे का सौदा नहीं करता है, तुम वो तिजारती हो जिसने कभी नुकसान नहीं उठाया है। लेकिन आज अबू बकर मुझे हैरत हो रही है, इतना घाटे का सौदा करके जा रहे हो, अल्लाह अकबर, काले के बदले में गोरे दे के जा रहे हो, 1 के बदले में 3 दिए हैं और 1 के बदले में 10 गुना कीमत ज्यादा दे के जा रहे हो। ए अबू बकर बताओ इसमें ऐसा क्या है जो इसे लेके जा रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुड़ के पीछे देखा, कहने लगे तुमने क्या कीमत लगाई है? कुछ भी नहीं लगाई। कहते अगर पूरी दुनिया पर अबू बकर की हुकूमत होती और तुम इस बिलाल के बदले में वो सारी हुकूमत मांग लेते तो अबू बकर सारी हुकूमत दे देता, लेकिन बिलाल को छोड़ के ना जाता। कहा इसमें क्या है? कहा तुम नहीं जानते, अबू बकर ने कहा था तुम नहीं जानते हो, इसमें ऐसा क्या है? फरमाया सुनो ये जो बिलाल लेके जा रहा हो ये मेरे महबूब को पसंद आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमते बिलाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ये मेरे हुजूर को पसंद आ गया है, अब इसकी कोई भी कीमत कम है। एक बिलाल खरीदा, हुजूर को पसंद आया। मैं एक बात कहूं माजरत के साथ, अपने इलाके में सबसे ज्यादा ये बीमारी पाई जा रही है। नौजवानों, हमारी कौम ना सेलिब्रेट करने के नाम पे बर्थडे हैं, कौन कौन से डे मनाए जा रहे हैं, उनके साथ साथ जब शादी ब्याह में ना नौजवान ना शराब को बियर के नाम पे पी रहा है और बेवकूफ बनाते हैं, कहते नहीं नहीं ये तो एनर्जी ड्रिंक है, इसमें नशा नहीं, शर्म करो। हमारी कौम सबसे ज्यादा इस वक्त शराब पी रही है हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा। कितने गैर मुस्लिम अधिकारियों से, बड़े बड़े अफसरों से मुलाकात हुई,
वो कहते हैं कि जब भी शराब के साथ पकड़े जाते हैं साहब मुसलमान ही क्यों पकड़े जाते हैं। अल्लाह मेरी कौम के जवानों, जो हुजूर को पसंद नहीं होना चाहिए वो हमें भी पसंद, वो हमें भी पसंद नहीं होना चाहिए। अगर हमारे हुजूर को शराब से नफरत है तो फिर उनका कलमे पढ़ने वाला पिया किस किस नाम से शराब पी रहा है। कुछ ऐसे भी रिपोर्टें मिली है कि वो एक खांसी का सिरा पाता है और एक्स पूरी शीशी लेके मुंह से लगा के लौट जाते। ऐसे नशेड़ी हो गए, हमें इस शराब की जरूरत थी, ये नशा चाहिए था हमें तो इश्क रसूल का नशा चाहिए था, हमें तो मोहब्बत रसूल का नशा चाहिए था। ये नशे कब से चढ़ने लगे? हाँ कहते हम हुजूर के गुलाम हैं। हाँ बदलो अपने आप को। हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया, सोने की अंगूठी पहने हुए था। आज निकाह हो रहे हैं, रिश्ते हो रहे हैं, रिश्ते तो मुंह से मांगी जा रही है, 3 तोले की अंगूठी होनी चाहिए, 5 तोले की गले में भैंस की जंजीर होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो जंजीर से जानवर बांधे जाते जी, यहाँ लड़के बांधे जा रहे हैं। 5-5 तोले की जंजीर है, गैरत नहीं आती है ना लेने वाले को, शर्म ना देने वाले को, कहने को हम मुसलमान हैं। सबसे आगे रखी जाती है जी, ये लाजिम हो गया, सोने की अंगूठी जाएगी, तेरी जमीन बिके तब भी, फेफड़े बिके तब भी, गुर्दे का सौदा कर तब भी, अंगूठी सोने की अंगूठी नहीं आई तो रिश्ता पक्का। ये है हमारी कड़वी सच्चाई। सोने की अंगूठी, सोने की जंजीर ऐसे पहन कर आ मौलवी से मुसाफा करने, ऐसे करके दिखा कर जी, पहले हाथ ऐसे कर दे, देखो सोने की भी लाया। अबे अगर जायज होता कसम से मौलवी 3-3 किलो पे जी जी हजरत जी कितना पहन लेगा तू मौलवी से ज्यादा जी। अगर ये सुन्नत होता ना तो तू धड़ी भर पहनता, मौलवी 15 किलो पहनता जी। हमें दिखा रहे शर्म आनी चाहिए। वो आ रहे पहनाने के लिए, साला पहना रहा बेगैरत, और ऐसे ही बेगैरत दनोई पहना रहा, पक्का हो गया लो, गले में संजीव डाली जा रही है। सोच तो सही, हुजूर की चौखट पे गुलाम आया, सोने की अंगूठी, मुस्तफा से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, हुजूर की निगाह पड़ी, मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया, फिर रास्ता बदल के आगे गया, हुजूर ने फिर चेहरा फेर लिया, अल्लाह अकबर, जैसी चेहरा फेरा आंख में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह मैंने कौन सी खता की है, कौन सी गलती हो गई है, अल्लाह अकबर। हुजूर ने चेहरा फेरा, अपने हुजरे में चले गए, कहने लगा क्या बात हो गई, हुजूर ने मुझसे मुसाफा क्यों नहीं किया, ये तो वो है जो जानवर का दिल नहीं तोड़ा करते हैं, इन्होंने मुझसे चेहरा क्यों फेर लिया। एक सहाबी खड़े हैं, कहते तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है और हुजूर ने मर्दों के लिए सोना हराम कर दिया है, इसलिए सरकार तुझसे चेहरा फेर के चले गए। उसने अंगूठी निकाली, निकालने के बाद अपने हाथ में ली और फेंक करके चला गया। किसी ने कहा, हजरत उमर ने कहा, ओ भाई अंगूठी हुजूर ने तुझ पे हराम की थी, फेंक क्यों दी, अपनी बीवी बेटी को पहना देता, मर्दों के लिए हराम है औरतों के लिए हलाल है, फेंकी किस लिए, उसने तड़प के कहा था जिसको मुस्तफा नजर से गिरा दे मैं बेटी को भी नहीं पहना सकता हूं, ये कह के रोता हुआ चला गया। थोड़ी देर के बाद आका आए, फरमाते हैं सहाबा बताओ तो सही वो दीवाना किधर गया जो यहां पे बैठा था। कहा या रसूल अल्लाह जैसी आपने चेहरा फेरा आप गए, उसने अंगूठी निकाली फेंक दी। हजरत उमर कहते हैं आका मैंने कहा था एक काम तो कर, अंगूठी बेटी के लिए ले जा। उसने कहा था अगर बेटे का अगर मुस्तफा नजर से गिरा दे तो मैं ये जेवर बेटी को भी नहीं पहना सकता। फरमाया उमर जल्दी कर मेरे गुलाम को बुला के ले आ। हजरत उमर गए हैं, जैसे बुला करके लाए हैं आंख में आंसू है गुलाम के, तड़पता हुआ आ रहा है। आका करीम ने आते देखा, नबुव्वत वाली झोली फैला दी, फरमाया या अल्लाह मैं इससे राजी हो गया हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। आवाज आई महबूब दिल थोड़ा न कर, तूने इसे माफ कर दिया है मैंने भी माफ कर। हां सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। नौजवानों बदलो और कोशिश करो इंशाल्लाह हम वो चीज नहीं छुएंगे जिससे हुजूर को नफरत है जी। बोलो इंशाल्लाह। सोने की अंगूठी पहनोगे? बोलो। अगर पहन रखे हो तो उतार के रख देना,
इसलिए कि ये हमारे हुजूर को पसंद नहीं है। कभी शराब या बियर या किसी भी नशे की चीज को हाथ लगाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं। पार्टी के नाम पे, यारों के नाम पे भाई बदलो अपने आप को। कोशिश करें हलाल लुक में अपने हलक से उतारे, हलाल लुक में। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का नहीं। हाँ, हलाल लुक में हलक से उतारिए। आज हमें अमीर बनने की बड़ी बीमारी है, एक रेस लगी है तेरे से मेरा आगे। शाम को आके ये पूछा है, भाई जुम्मा ने कितने कमाया? जुम्मा ने कितने कमाए भाई? किसी का नाम हो तो बुरा ना मानिए। अरे बब्बन सबसे आगे चल रहा इस बार गांव में, महीने के 1.5 लाख छाप रहा। ये होड़ है, इसी होड़ में हम कितने अंधे हो गए। कई हमारे मुसलमान भाइयों ने सूद, ब्याज, रिश्वतें, ये हराम की रोजियां इकट्ठा करने शुरू कर दी है। बदले अपने आप को, एक दाना हराम का घर में मत लाना, एक दाना। फरमाया गया जो बंदा ब्याज का, सूद का एक रुपया खाता है ना, तो एक रुपया ब्याज का लेने में इतना बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह अपनी मां से 70 बार मुंह काला करने का होता है। इतना बड़ा गुनाह। और मैं ये समझता हूं इस हराम रोजी का दरवाजा जो खुला है ना, इसकी जिम्मेदार मां बहने भी है। जब तुम्हारा शोहर बिना मेहनत के शाम को 10,000, 20,000, 30,000 लेके आए ना, तो फिर मां की भी जिम्मेदारी बनती है, पूछे बेटे कहां से लाया है। बीवी की जिम्मेदारी बनती है, रोटी बाद में बनेगी, बता हराम का है कि हलाल का। अगर बेटियां ये हद कर ले, हराम का लाओगे तो रोटी रोटी बोलते क्यों नहीं हो भाई, कोई दाल में काला है क्या? क्यों नहीं बोलते? हराम की लाओगे तो रोटी, अगर हलाल लाओगे तब रोटी बनेगी। अगर ये है तो खुदा की कसम फिर किसी मर्द में हिम्मत नहीं जो हराम का रुपया लेके आ जाए। लेकिन हमारी मां बहनों की भी बीमारी है कि उन्हें मोहल्ले में सबसे अच्छा सूट चाहिए, अगर अच्छा भी ना हो तो अलग जरूर हो, उसमें भले ही कपड़ा 2.5 मीटर लगाओ बस, लेकिन अलग हो। उससे मतलब नहीं शोहर कहां से लाया। कहती सुनो जी, इस पार्टी में ऐसा सूट होना चाहिए जो किसी के पास ना हो। जब ऐसा लगा तो कहां से लाएगा बता, जिसकी 500 रुपए मजदूरी है, 600 रुपए घर का खर्च है, 500 रुपए रोज कमा के ला रहा, 100 रुपए का कर्जा चल रहा है, तुझे 27,000 का सूट कहां से ला के दे। गलत नहीं कह रहा ये बात, ये वो रास्ते हैं जो गुनाहों के रास्ते खोल रहे हैं, गुनाहों के रास्ते। अलग का सूट चाहिए ना मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ कान खोल के सुन ले, तेरी इज्जत 27,000 के जोड़े में लगी है, तेरी इज्जत 65,000 के जोड़े में लगी है, तेरी इज्जत तो पर्दे वाले जोड़े में है, तेरी इज्जत तो हया वाले जोड़े में है, तेरी इज्जत तो सादगी के अंदर है, तेरी इज्जत तो सफाई के अंदर है, ये जरूरी नहीं है तो 27,000 का जोड़ा पहने तभी इज्जत मिलेगी, जरूरी ये है कि तू हया वाला जोड़ा पहने। अगर हया वाला जोड़ा पहनेगी, खुदा की कसम कोई तेरी इज्जत करे ना करे, जब कब्र में आएगी तो खुदा के फरिश्ते तेरी इज्जत करने लग जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मां बहनों से गुजारिश है, जरूरी नहीं 27,000 का पहन, कम का पहन ले, लेकिन हलाल का पहन है, और ऐसा पहन जिससे पर्दा हो, जिसके अंदर हया हो। वो कैसी औरतें थी, 70 पैबंद लगा करके, 17 पैबंद लगा के भी पर्दा किया, आज 17,000 के कपड़े पे भी पर्दा नहीं हो रहे। हमें सोचना पड़ेगा। कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बात होना बड़ी जरूरी है, मगर मेरे भाई एक बात बताओ, ये अगर हमने घरों के अंदर पर्दा लाजिम नहीं किया ना, तो याद रखिएगा हम अपनी बेटियों को बचा नहीं पाएंगे, अपनी बहनों को बचा नहीं पाएंगे। और हम यहां दुनिया में ऐश के लिए नहीं आए हैं, हम तो रब के निजाम के मुताबिक चलने के लिए आए हैं। क्या कमाल है सरकारों से पाक के अंदर, अल्लाह हू अकबर। आप शान देखे तो देखते रह जाइए, लेकिन जहां गौसे पाक पे मिसाल है ना, वहां मां की भी मिसाल नहीं मिलती है, मां की भी मिसाल नहीं मिलती है। पूरी जिंदगी ऐसी हया के साथ काट दी यार, कि किसी गैर मर्द तक का चेहरा नहीं देखा। आज किस घर में ऐसी पर्दे वाली बेटी है,
जिसने गैर मर्द का चेहरा ही ना देखा हो। नहीं है जमीन पे शायद कोई ऐसी जिसने गैर मर्द का चेहरा ही ना देखा हो। ये गौसे पाक की मां है जिन्होंने गैर मर्द का चेहरा ही नहीं देखा। कहां है आज ये हया? ग्यारहवीं हर घर में है, पर्दा किसी घर में नहीं। ग्यारहवीं हर घर में है, सच्चाई किसी घर में नहीं। वो मां थी, उन्होंने कहा था बेटे अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना। आज की मां 10 रुपए दे के कहती बेटे ठेले वाला आया है, 5 का धनिया लिया, 5 की मिर्चे। गया भागा भागा, धनिया भी ले आया, मिर्चे भी ले आया, मौका लग गया तो 10 का नोट भी ले आया। अम्मा ये रहा धनिया, ये रही मिर्चे, ये रहा 10 का नोट। तो अम्मा मोहल्ले में कहती सुनो जी मेरा पप्पू बड़ा होशियार है, 10 रुपए दिए थे, दोनों चीजें ले आया, 10 रुपए भी ले आया। बस ये तेरे 10 रुपए इसकी जिंदगी तबाह कर देंगे, ये तेरे 5 रुपए की मिर्च और धनिया खा जाएगा इसे। अगर तेरा बेटा 1 रुपया गलत लेके आया था तो तुझे लालच नहीं करना था, तुझे नियत नहीं बिगाड़नी थी, बल्कि उठाती कहती ना बेटे हम तो कनीज़े फातिमा ज़हरा है, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, 1 दाना भी हराम है, वापस लेके चला जा। खुदा की कसम अगर तूने पहले दिन बच्चे को यह सबक पढ़ाया होता पूरी जिंदगी बच्चे फाके से तो मर जाते, लेकिन हराम का लुकमा तेरे घर के अंदर लेके नहीं आ सकता। डाकू हम बनाते हैं बच्चों, हराम के लुक में तलाश न कर, हलाल के लुक में तलाश करो। नौजवानों दिक्कतें आए ना तो सेठ की बैठक में ना बैठा करो। कुछ जगहों पे बड़ा निजाम चल रहा है भाई, प्रधान जी की बैठक देखो कभी खाली नहीं होती, कभी खाली नहीं, जब देखो 2-4 बैठे बैठे। हर जगह गांव का मसला है, चाय चल रही फ्री की चल रही है। भाई ये जानते हो आप क्या कर रहे हो? आपको प्रधान जी ने 5 साल में 1 कॉलोनी दी, कितने की? 70,000 की है मालूम है? आप बताइए 5 साल कुर्सी बैठे बैठे आपने कुर्सी घिस दी, उन्होंने 70,000 की कॉलोनी दे दी, तू 5 साल उनके गीत गाएगा? गा तेरी मर्जी है, लेकिन बता तूने 5 साल जो कुर्सी पे घिसे है ना, अगर ये 5 साल तूने मेहनत में गुजारे होते तो 70,000 ही कमाता। कुछ लोगों को थाली खाने की भी आदत होती है, वक्त जाये ना कर यार, 1-1 मिनट कीमती है तेरी जिंदगी का। अगर खाली बैठा है कोई काम नहीं तो विधायक की बैठक में ना जा, अगर जाना है तो खुदा की मस्जिद में आके चला आ, मुसल्ला बिछा दे। ओ यार ये तुझे 1 कॉलोनी दे करके 10 साल तक एहसान जता के वोट मांगता है, मैंने कॉलोनी दी थी वोट का ख्याल रखना, मैंने 60 साल बंधवाया था वोट का ख्याल रखना, वो खुदा कितना करीम है तुझे भी देता है, तेरी पुश्तों को भी देता है, एहसान नहीं जताता, जलील नहीं करता, बार बार तेरे आने पर तुझे रुसवा नहीं करता, वो तो इतना करीम है, तू 1 बार आता है तो वो इतना देता है, तेरी पुश्तों का भला हो जाया करता। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत बहुत। तो बेगैरती का खाने की आदत हो गई, अल्लाह तौफीक दे तो सजदे किया करो, अल्लाह के घर में जाया करो, नमाजें पढ़ा करो, नमाजें फिर अल्लाह से मांगो, पैसा नहीं है ना तो अल्लाह से मांगो, वो देना जानता है, वो देता है, फिर कैसे मांगना है? बरेली वाले कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बनाया। और जब उस चौखट पर जाके मांगते हो तो बरेली से आवाज आती है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। बरेली से इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए थाली ना बैठी या तो काम में लगिएगा या फिर इबादत में लगिएगा, दो ही काम करने, मेहनत कीजिए आगे बढ़िए, लेकिन हलाल कमाइए। बोलो इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे, जोर से हलाल कमाएंगे, किसी का हक तो नहीं खाएंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके लठ में दम है ना तो वो दीवार जहां से चाहता हूं उसे सीधी कर लेता, गरीब क्या बिगाड़ लेगा? ना कभी नहीं, गरीब को कमजोर समझ के दीवार सीधी ना करना, लेकिन जब अल्लाह सीधी करने पे आएगा ना तो 1-1 सूत का भी फर्क निकाल देगा, सूत सूत का फर्क निकाल देगा। कयामत के दिन खड़ा करके कहेगा बुलाना कौन नेता था तेरा,
जब गरीब की दीवार टेढ़ी करने पे तू तुला था और गरीब भागा फिर रहा था, तेरी लाठी के आगे कोई नहीं बोल रहा था, बुलाना आज मैं गरीब के साथ हूं। तू बुला कौन है तेरा मंत्री? हिम्मत नहीं होगी किसी में, औकात नहीं होगी जो कोई बोल सके, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगर बचना चाहते हो तो सुनो, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान ले। इसलिए किसी गरीब को ना सताना, समझ गए मेरी बात? मैं तकरीर करके जन्नत बांटने नहीं आया था, भाई का हुक्म तो चला आया, मोहब्बतों की बातें थी। मैं आपका हूं, आप मेरे हो, ना मेरा दुश्मन तुमसे मैं कोई है, ना मैं आपका दुश्मन हूं। सिर्फ ये बात है इसलिए की कि हम अपने अमाल में सुधार लाएं, अपनी जिंदगी में सुधार लाएं, अपने हालात को बेहतर करें, करेंगे इंशाल्लाह। जोर से बोलो इंशाल्लाह। कुछ तो इसलिए चादर ओढ़ के सो रहे होंगे कि जानबूझ के आवाज ना आए, जो सो रहे हैं उन्हें नहीं जा रही, जो जाग रहे हैं बैठे उन्हें नहीं आ रही, क्या सबको आ रही है ना? तो करेंगे इंशाल्लाह ये काम, हराम से बचेंगे, गरीबों का ख्याल रखेंगे, रिश्तों की कदर करेंगे, अपनों से प्यार करेंगे, गैरों से मोहब्बत करेंगे, दूसरों से आपसी नफरतें खत्म करेंगे। सारे बोलो इंशाल्लाह। नौजवानों हलाल रोजी कमाएंगे, जो बंदा ऐसा हो जो हराम खाता हो ना उससे तुम भी बचना, उसके यहां पानी ना पी लेना, पानी ना पी ले। आज तो उसूल ये, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। आज तो इज्जत भी पैसे वाले की है। इमाम को निकाल तो कोई सलाम करने वाला तैयार नहीं है, और तीन तमंचे लेके पेटी में लगा के किसी को निकाल तो सब कहेंगे और दादा ठीक है जी। आज उसको सलाम हो रहा है जो सबसे बड़ा गुंडा है, शरीफों को सलाम करने भी बंदा तैयार नहीं। लेकिन मेरे गुरेर वालों, मेरे अपनों, तुम निजाम बदल दो इन लोगों का, तुम उसूल बनाओ, हम उसे सलाम करेंगे जो खुदा वाला भी होगा, मुस्तफा वाला भी होगा। सुभान अल्लाह। समझ रहे ना मेरी बात? कितनी मस्जिद है इस गांव में? आठ। कितनी? आठ। सारे इमाम मौजूद हैं? बहरहाल मेरी एक बात सुने, ये आठ मस्जिदें होना कमाल नहीं, आठ मस्जिदें होना कमाल नहीं, आठ मस्जिदों की इमामों की इज्जत करना कमाल है जी, बेशक। ये ख्याल रखिए, हाँ, आठ मस्जिदों के इमामों का ख्याल रखना ये कमाल की बात है, वरना सबसे कमजोर इमाम ही होता है। लेकिन रिश्ता रब से बड़ा खास होता है, उसका उसका दिल ना दुखाना, वरना सात पुश्तों तक इलाज होगा, कमर सीधी नहीं होगी। अल्लाह तोड़ने पे आता तो कोई जोड़ने वाला नसीब नहीं होता है। हमारी कौम में बीमारी है, जागा इमाम साहब के कमरे में सेब रखे, ओ हो भाई बड़ी खुशबू आ रही है, खा रही डट के, हाँ दबा दब खा के निकला, फिर बाहर निकल के मुंह पोंछ के कह रहा हराम क्या आ रही है इनकी, तो 3 मिनट नहीं होते, खा के हजम करके ताने भी दे देता है। तुझसे किसने कही थी खा भाई जाके? इमामों से भी गुजारिश है, मूंछ देख के फैसला ना करना, तुम्हारे लिए भी सारे बराबर है। ऊंची कोटी वाले को ज्यादा इज्जत ना देना, गरीब को जलील ना करना, इज्जत उसकी करना जो पंज वक्ता मस्जिदों में हाजिरी देता हो, वो सारा इज्जत का हकदार होता है। और नमाजियों तुमसे भी गुजारिश है, फोन करके मुझसे ही पूछ रहा हूँ, उठा हिल गया नमाज हुई के ना, कैसे कर जमात में इमाम साहब का अंगूठा हिल गया, मैंने तू क्या कर रहा था भाई मतलब तेरी ताका झांकी करके भी हो गई, उसकी अंगूठा हिलने पे चली गई, शर्म आनी चाहिए। कुछ लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते, कुछ नमाजी नहीं झांकू होते, झांकू यही देख रहे इमाम को कैसा कर रहा है, इमाम सजदा कैसे कर रहा है, ये किधर को देखते हैं नमाज में, अगली सब में बैठे बैठे चारों तरफ को देख रहा है, ये तेरी हो गई? अगर इतनी खुराफात के बाद तेरी हो सकती है तो फिर इमाम की क्यों नहीं हो सकती भाई? इसलिए ये अंगूठे पंगूठे इमाम से ही पूछ लिया करो, हमसे मत पूछा करो। मैं एक बोला यार, मैंने कहा था, मैंने
मुझे के पीछे क्यों पड़े रहते हो? उसने कहा मुफ्ती तुम्हें ना पता। मैंने कहा नहीं। उसने कहा अंगूठा नमाज का फूटा होता है। अजीब, हमारी कौम ने नई नई इस्तलाहें निकाल रखी है। ओ भाई, नमाज कब होती है? जब चेहरा खाने काबा की तरफ हो, दिल गुंबदे खजरा की तरफ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान, तब नमाज होती है। जी, बदन पाक, तन पाक, नमाज के फराइज, वाजिबात, अरकान पूरे हो, नमाज हो जाती है। लेकिन सुन, पढ़ाने वाला बगदाद वाला हो और पढ़ने वाला कपट लेके पीछे खड़ा हो, अल्लाह कहता सबकी कबूल कर लूंगा, तेरी नहीं करूंगा, क्योंकि दिल में हसद लेके बैठा है। दिल में हसद लेके बैठा भाई, जाके इमाम साहब झाड़ू नहीं लगवाई, इसमें धूल उड़ रही है। तेरा काम इतना ही था, तूने पैसे देके कलीन मंगवा दी, अब तू झूले चेक करेगा जाके मस्जिद की? अल्लाह कहता नादान, ये मिट्टी अगर कपड़ों पे लग गई तो नमाज कबूल कर लूंगा, लेकिन दिल में जो ये हसद का मैल लेके आया है ना, जब तक ये साफ नहीं होगा तेरे सजदे कबूल नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा जरूरी दिल के मैल को साफ करो। जी भाई, हसद निकालो और किसी से नफरत मत करो। तकलीफ है तो खुल के बात कर, बता क्या वजह है। अगर बंदा फिर भी माफ न करे तब तुझे नाराज होने का हक है। हमारा तो मसला ही कोई नहीं है, बैठ गए सगे भाई से मुंह फेर के बैठ गए, भाई को पता ही नहीं हुआ क्या। अब आवाज रहा बेटे मुझ समझ बोलियो, पता नहीं इसकी क्यों 11,000 की बत्ती उतर गई। वगैरह 3 दिन हो गए बेटे बोलना रहा, क्या बोला? तुम्हारी शिकल बुरी लग रही है। बाप को पता ही नहीं, इतने किने हो गए हमारे अंदर। नहीं भाई, कभी ना कर। दिल में मैल रखना ये मुनाफिकत होती है। जो जाकिर होना चाहिए वही बातिल होना चाहिए, जो बातिल है वही जाकिर होना चाहिए। कुतब ना बन, मुंह कुमा के ना चल, बात बता के चल, फिर पता चलेगा कि दूध में मैला गई या दूध में मक्खी मैली पड़ी है। इसलिए अपने दिलों को साफ करें। मस्जिद में जाया करें ना तो सारा बुग्ज खत्म करके जाया करें, सिर्फ खुदा का प्यार लेके जाया करें। और मस्जिद को कोई बाप की जागीर समझ के ना जाया करो, ना जाया करो भाई। गर्द है ना तो तू भी तो खुदा का बंदा, तू भी तो झाड़ सकता, तू नहीं झाड़ सकता? तुझे दिख रही है तू साफ कर दे, किसी को दिख रहा है वो साफ कर ले। तू क्यों ऐसा मंत्री बन के जा रहा, कॉलर चढ़ा के कलफ लगे कपड़े पहन के? ऐसा लग रहा मस्जिद में नहीं ससुराल में आ रहा है। मस्जिदों में अकल मत लाया करो। पंखों के लिए झगड़े हो गए, गोली चल गई एक जगह मस्जिद में, एक मर गया उसमें। कह रहे एक ने बटन दबाया, उन्होंने कहा ये किन्ने चलाया, उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने सलाम फेरा, घर गया, लाया गोली ठोक दी। कि तू कौन होता था भाई बंद करने वाला? मस्जिद मेरी भी है। इन चीजों पर मर रहे हैं हम। मस्जिद के आगे एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बेशक, तुझे क्या पता ये जमात क्यों है? नमाज तो अकेले अकेले भी पढ़ लेता, क्यों बुलाया गया तुझे? फरमाया जब आओ ना मस्जिद की चौखट पे, सारे रंग उतार के आना, सारी दौलतें फेंक के आना। या खड़े हो तो ये सोच के खड़े हो, अमीर गरीब कोई कुछ भी हो, यहाँ पे सारे रब के बंदे बन के खड़े हो। बेशक सुभान अल्लाह, खड़े होते हैं रब के बंदे बन के। भाई ये इस्लाम है, जिसने काले गोरों को एक जगह कर दिया, अमीर गरीब को एक जगह कर दिया। आज कुछ बिगड़े हुए लोग नफरतें बांट रहे। मस्जिदों में प्यार लेके आया करो, मोहब्बतें लेके आया करो। आए बैठे चले भाग गए, कह रहे अल्लाह दे ही नहीं रहा। तेरी दुआ कितने सेकंड की थी भाई? यूं हाथ आते और ऐसी खत्म हो जाती है। कभी 10-5 मिनट दुआ को भी दे, बैठ के रब से मांग। अल्लाह इतना देगा तेरी पुश्तों से नहीं खाया जाएगा, तेरी नस्लें मौज करेंगी नस्लें। हमें मांगने ही नहीं आता, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। मांगना है रब से मांगो, हुजूर का वसीला दे के मांगो, फिर देखो अल्लाह कितना देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह करीम कमेटी वालों को, जलसा कराने वालों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जितने लोग भी हम में बीमार हैं उन्हें गौस पाक के सदक़े में शिफा अता फरमाए। जो मकरूज़ हैं बारे कर्ज़ से सुबुकदोश अता फरमाए। मालिक अर्ज़ो समा बोलने में मदन सावन, जो गलती हुई हो मैं
महबूब के सदके में माफ फरमा। आप लोग भी कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।